दोस्तों, नथिंग अपना न्यू स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका इंडिया लॉन्च डेट पहले से ही कन्फर्म हो चुका है। ये फ़ोन इंडियन मार्केट में 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है और लॉन्चिंग से पहले ही इस फ़ोन का सारा डिटेल्स बाहर निकल के आ गया है और इसका इंडिया प्राइस भी कन्फर्म हो गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फ़ोन दिखने में कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा, सारा कन्फर्म डिटेल्स बताएंगे और बताएंगे कि ये फ़ोन कितने प्राइस पर आएगा और डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको कितने में मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में नथिंग फ़ोन 2A के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो ये फ़ोन दिखने में कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ़ोन दिखने में बैक साइड से बढ़िया होने वाला है। ये फ़ोन बैक साइड से ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आएगा और इसमें एक बड़े से सर्कुलर कटआउट में 2 कैमरा का सेटअप रहेगा और 1 LED फ्लैश रहेगा और इसमें ग्लिफ लाइट भी मिलेगा। फ़ोन इन हैंड फीलिंग में भी बढ़िया होगा, जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। और देखिए, इसमें जो ग्लिफ लाइट रहेगा उसमें क्या क्या फीचर मिलेगा ये भी पता नहीं चला है। जैसा कि नथिंग फ़ोन 2 में दिया गया था कि ऑर्डर करने पर ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, उस टाइप का फीचर इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं फोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा। साइड का बेजल्स और चिन्ह बहुत कम रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी दिखने में बहुत बढ़िया होने वाला है। लुक में ये फोन प्रीवियस नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 से मिलता जुलता ही रहने वाला है, खास करके बैक साइड से। और इस फोन के वेट और थिकनेस का बात करें तो इस फोन का थिकनेस 8.7 mm रहेगा और इसका वेट 188 ग्राम होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा और इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट भी रहेगा। फोन डिस्प्ले वाइज अच्छा होने वाला है, फोन चलाने में आपको स्मूथ लगेगा और वीडियो वॉचिंग में तो खैर बहुत अच्छा होगा। जब आप कोई हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई HDR कंटेंट देखेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर का बात करें तो दोस्तों, नथिंग जो है मीडिया टेक के साथ कोलैब किया है और ये फ़ोन मीडिया टेक के डायमेंसिटी 7200 प्रो प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 nm फेब्रिकेशन पे बना है। तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका एंटीटू स्कोर जो बाहर निकल के आया है वहाँ पर ये 7 लाख से ज़्यादा का स्कोर कर ले रहा है। और कंपेयर करके बताया गया है कि ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 और स्नैपड्रैगन 782G से ज़्यादा बढ़िया होने वाला है परफॉर्मेंस में। और आपको बताते चले कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ये रियलमी 12 Pro Plus 5G में दिया गया है जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और स्नैपड्रैगन 782G OnePlus Nord CE3 में दिया गया था। और ये दोनों प्रोसेसर से ये फ़ोन परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा होने वाला है, यानी कि ये फ़ोन एक गेमिंग करने वाले यूज़र के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप इस फ़ोन में गेमिंग भी कर पाएंगे और एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो खैर बढ़िया रहेगा रहेगा, परफॉर्मेंस में फ़ोन बढ़िया होने वाला है। और दोस्तों, स्टोरेज और रैम टाइप क्या होगा इसमें ये भी पता नहीं चल पाया है। वैसे मेरे समझ से लग रहा है कि ये फ़ोन UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ तो ज़रूर आएगा, बाकी रैम टाइप क्या होगा कहना अभी मुश्किल है। और दोस्तों, ये फ़ोन 2 कलर में अवेलेबल रहेगा, वाइट और ब्लैक। वहीं इसके कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ ही आएगा जहां की मेन कैमरा 50 MP का होगा और इसमें OIS भी रहेगा और इसमें सैमसंग का G9 सेंसर का यूज़ किया जाएगा और 50 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा रहेगा, इसमें सैमसंग का JN1 सेंसर का यूज़ किया जाएगा और 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा। इस फ़ोन के कैमरा में सारा सेंसर सैमसंग का ही होने वाला है और जब आप इस फ़ोन के कैमरा से कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे या पोर्ट्रेट शॉट्स लेंगे या फिर अल्ट्रावाइड में फ़ोटो क्लिक करेंगे तो कलर को भी अच्छे से बैलेंस करेगा, डिटेलिंग को भी मेंटेन रखेगा। कैमरा में इस बार ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं इसके बैटरी की बात करें तो ये फ़ोन 5000 mAh के बैटरी के साथ आएगा जहां 45W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा, तो फ़ोन बैटरी में भी अच्छा होने वाला है। आज के टाइम में जितना नीड होता है उतना इसमें मिलने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, ये फ़ोन IP54 के रेटिंग के भी साथ आएगा तो थोड़ा बहुत बारिश और डस्ट को भी झेल सकता है। और ये ब्लूटूथ 5.3 के कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इसमें NFC का भी कनेक्टिविटी मिलने वाला है। और ये फ़ोन 5G के कनेक्टिविटी के साथ आएगा और लीक्स में बताया जा रहा है कि इसमें 11 बैंड या फिर 9 बैंड का सपोर्ट भी मिलेगा, तो फ़ोन 5G के कनेक्टिविटी में भी बेस्ट होने वाला है। और ये फ़ोन नथिंग OS 2.5.2 पे रन करेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा और इसमें मिनिमम 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये फ़ोन 14 के साथ आएगा और 15-16 तक जाएगा। दोस्तों, यही सब कुछ हाइलाइटेड डिटेल्स था ये नथिंग फ़ोन 2A से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। देखिए, ये सब डिटेल्स से क्लियर है कि फ़ोन इस बार सारे चीज़ों में बहुत अच्छा और बैलेंस फ़ोन होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस बाहर निकल के आया है वहाँ बताया गया है कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले का प्राइस इंडियन मार्केट में 23,999 रुपया रहने वाला, ये कन्फर्म हो चुका है। और हो सके ये फ़ोन डिस्काउंट के बाद आपको 23,000 में मिल जाए, ऐसे 23,999 रुपया का ही टारगेट आप लेके चलिए, यानी कि 24,000 रुपया में ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च
होने वाला है। और दोस्तों इस फ़ोन का एक और वेरिएंट होगा, वो होगा 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। उसका प्राइस कितना होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे उसका प्राइस तो 30 के आसपास ही इंडियन मार्केट में रह सकता है, उससे कम तो नहीं ही रहेगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी न्यू अपडेट आया था नथिंग फोन 2A से रिलेटेड, वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।